नीमच अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नीमच केंद्र द्वारा 2 दिवसीय रक्षाबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 850 से अधिक भाई बहनों को ईश्वरीय रक्षा सूत्र बांधकर और निर्विघ्न एवं सुरक्षित जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संबोधन संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया एवं सभी से आह्वान किया कि इस पवित्र अवसर पर ईश्वरीय रक्षा सूत्र धारण करने के पूर्व अपनी किसी भी कमी कमजोरी का व्यसन आदि को त्यागने का दृढ़ संकल्प धारण करें तथा समाज के हित का एक विशेष सद्गुण भी अवश्य अपनाएं। उपस्थित सैकड़ों भाई बहनों ने करलतर ध्वनि के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया, साथ ही शपथ लेकर उक्त संकल्प धारण किया। सभी उपस्थित जन समुदाय को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई शिव ज्योति बिंदु की शक्ति संपन्न राखी बांधी गई तथा सभी को पवित्र प्रसाद भी वितरण किया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा ईश्वरीय रक्षा सूत्र बनवाने हेतु विधायक दिलीप सिंह परियार, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, अरविंद चोपड़ा, डॉक्टर विपुल गर्ग, डॉक्टर अनूप मंगल, पूर्व पार्षद विनीत पाटन सहित नगर के अनेक व्यापारी, चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने भी श्रद्धा पूर्वक ईश्वरीय रक्षा सूत्र धारण किया। इस अवसर पर संस्था के एरिया डायरेक्टर बी के सुरेंद्र भाई ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देकर देशभक्ति एवं स्वच्छता संकल्प धारण करवाकर उपस्थित विशाल जनसमुदाय से अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज घर घर तिरंगा अभियान के तहत अंतर्गत फहराने का आह्वान किया। इसे भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भवन पर तिरंगा फहराकर अभियान का शुभारंभ किया।